बातें करते हैं सेहत से जुड़ी हुई। सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे मॉडरेटर्स और सुनने वाले हमारे साथ कुछ जुड़े हैं। नसीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब, नमस्ते। साफिया जी, वेलकम। मेरी प्यारी छोटी बहन मिस रोजे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, पहले हमने देखिए, बीमारियां तो बहुत सी हैं, लेकिन इन बीमारियों से इलाज क्या निकलता है? हमने बार बार बात की कि क्या अस्पतालों के चक्कर लगाना ही हमारी किस्मत में रह गया है कि जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, कैंसर, अल्जाइमर, जो भी हम सोच सकते हैं, हमें जब लगता है कि इनमें से किसी का भी सुनते हैं उसको ये बीमारी होगी, तो काफी परेशानी होती है ये सोच के कि कितना लंबा इलाज चलेगा, कितना खर्चा होगा, क्या साइड इफेक्ट होंगे, कैसे होगा, तो सही डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको मर्ज हमारा समझ में आएगा नहीं आएगा। पर देखिए, कुदरत ने ये जो हमारा शरीर बनाया है ना, कितनी लाजवाब चीज बनाई है कुदरत ने ये शरीर। ये एक ऐसी परफेक्ट, हाईली इवॉल्व्ड मशीन है जो मिलियंस ऑफ सेंचुरी से इसको नेचर परफेक्ट करती आ रही है। और जितनी भी हीलिंग की चीजें होती हैं, वो पहले ही हमारी बॉडी में मौजूद है। ये परफेक्ट हीलिंग मशीन है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके हीलिंग के रास्ते में से हट जाना है। और जो हम इसकी हीलिंग वाले रास्ते में जो रोड़े, कंकड़, गड्ढे खोद रहे हैं, यानी कि गलत डाइट और लाइफस्टाइल से, हमें उनको इसके आगे से हटा देना है। और उनको, उन गड्ढों को किस चीज से भरना है, परफेक्ट हेल्दी डाइट से। बस हम अगर इतना ही करें और कुछ भी ना करें, आप यकीन मानिए 80-90% हमारी क्रॉनिक डिजीजेज जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगी, और जो बाकी बाकी रही सही है वो एकदम इतनी कम हो जाएंगी, जहां थी वहीं रुक जाएंगी, प्रोग्रेस नहीं होंगी आगे। तो देखिए कितना सुंदर एक नेचर का निजाम है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस ने इसका पता नहीं लगाया है, और आज से नहीं, जैसा कि हम देख रहे थे, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले हमें ये चीजें पता लगने लग गई थी मेडिकल रिसर्च के थ्रू। लेकिन ये बातें आम जो प्रैक्टिस है उसमें नहीं आई, और उसके बहुत से कारण हैं। कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट हैं, इससे किसी का कमर्शियल फायदा नहीं होता, डॉक्टर खुद यही डाइट फॉलो कर रहे हैं जो फास्ट फूड डाइट टाइप है, और जो हार्मफुल चीजें हैं हमारी बॉडी में, इनको खुद ऐसे खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लिए खुद ही मानना बड़ा मुश्किल है, वो भी डिनायल में है, तो वो चेंज कैसे करेंगे? जैसे कि हमने सिगरेट स्मोकिंग के बारे में कल देखा था कि डॉक्टर्स खुद स्मोक कर रहे थे, साइंस बहुत क्लियर थी, 1, 2, 100, 200, 1,000, 2,000 स्टडी नहीं, 7,000 पीयर रिव्यूड स्टडीज आई ये दिखाने दिखाते हुए कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। तब जाके जो अमेरिका के सर्जन जनरल हैं, जो कि सब मेडिसिन के डॉक्टरों के हेड है, उन्होंने स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी की कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। तो 7,000 स्टडीज लगी और अनगिनत लोगों की जाने गई और उनको बीमारियां हुई, तब जाके ये हुआ। तो ये जो डाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास है, लेकिन खुल के बाहर निकल के नहीं आ रही, क्योंकि यही सब इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें? क्या हम इंतजार करेंगे 7,000 आर्टिकल्स ऐसे निकले? क्या हम इंतजार करेंगे कि अगले 17 सालों का, कि तब कोई ऐसी जागरूकता आए और कोई अभियान चले कि ये करना है? तब तक बहुत देर हो जाएगी ना। हमें तो अपने शरीर की जिम्मेवारी, अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की अब लेनी है। तो हमें काम अभी शुरू करना है, इसीलिए मेरे को इस काम में इतनी अर्जेंसी लगती है। और जब आप लोग आके जुड़ते हैं और इन वीडियोस पे व्यूज मिलते हैं, यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी होती है कि ये दुनिया का, मुझे लगता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेजेस है कि सेहत को
रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए और 100% फिट रहिए और लंबी स्वस्थ आयु तक जिए। तो ये जो मैसेज है, ये मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस मैसेज के चलते मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी दो चार चीजें हैं जिनको हम अपनी बॉडी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं, और ये ना जानते हुए कि हमारे लिए कितनी घातक है। एक तरह से हमें कहो तो बारूद के ढेर पे बिठा रही है। तो वैसी वैसी चीजें मैं चाहती थी, मोटी मोटी पहले हम उन पे बात कर लें, फिर स्पेसिफिक डिजीजेस पे भी बात करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि दीदी आप प्लीज किसी स्पेसिफिक डिजीज को पकड़ के चले। मान की मेरी बात, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज को पकड़ के चलना वो बहुत बात की बात है। पहले हम उसको एड्रेस करें। वो कहते हैं इंग्लिश में द एलिफेंट इन द रूम। तो जो एलिफेंट है, जो मतलब जो ऑब्वियस चीज है कि अगर हम इस चीज को ठीक कर दें तो तमाम डिजीजेस कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि हमें एक ब्रॉडर पिक्चर पहले मिले, फिर स्पेसिफिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले दिन हमने बात की दूध की, कि जिस दूध को हम अमृत मान के बैठे हैं, पौष्टिक आहार मान के बैठे हैं, वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। हमने पहला मेरा वाला जो सबसे पहला डॉक्टर मीरा का लाइव है, जिन्होंने वो नहीं देखा, प्लीज प्लीज वो देखिए। सारी की सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, कैंसर, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक डिजीजेस, सबका रास्ता आजकल जिस तरह का दूध है उससे होके गुजरता है। दूसरे दिन हमने बात की चीनी की। तो चीनी जो है वो हमारे लिए कितनी बुरी है, और जब हम चीनी की बात करते हैं तो हम सिर्फ वो सफेद चीनी नहीं जो हम खा रहे हैं, उसमें हनी भी आता है, उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी है, अगावे सिरप भी है, और आलू जो एकदम चीनी में बदल जाता है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप आलू खा सकते हैं सीमित मात्रा में, बट डायबिटीज वालों को नहीं खाना है आलू, तकरीबन लोगों को पता ही होता है। और सफेद आटा नहीं खाना, मैदा नहीं खानी, और ब्रेड को कम खाना है। तो ये सारी बातों पे हमें ध्यान देना है। तो पहला दिन दूध पे हमने बात की, सेकंड एपिसोड हमने शुगर पे बात की, आज हम बात करेंगे प्रोटीन पे। जी हाँ, एक नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाना है, और इन दो तीन दिनों के एपिसोड में भी कई लोगों ने मुझसे आके प्रोटीन के बारे में बात की, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात की। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जिस हेल्थ के कगार पे हम खड़े हैं, क्राइसिस के कगार पे, उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ही प्रोटीन है। और इसके लिए मैं बकायदा आपको रिसर्च दिखाऊंगी। अर्ली 1900 के अंदर, मैं कहूँ तो 1939 के आसपास जो था, कि पहली बार प्रोटीन का इश्यू निकल के आया था। अभी मैं आपको उसके बकायदा सारी रिसर्च दिखाऊंगी। और जो डॉक्टर थी, एक फीमेल डॉक्टर, उसने ये टर्म कॉइन की थी कि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ना हो तो उससे एक बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं क्वाशरकोर। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस महिला डॉक्टर ने ये टर्म कॉइन की थी कि प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है, जब उसने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई तो उसने पाया कि ऐसी कोई बीमारी जो है वो होती ही नहीं, होती है तो एकदम नाम मात्र की, दुनिया में गिने चुने लोगों को ये बीमारी होती है, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होती है। उससे पहले तो आदमी मौत के कगार पे खड़ा हो जाता है कि बॉडी अपने आप का ही प्रोटीन तोड़ तोड़ के खाए और पूरी तरह से प्रोटीन की कमी हो जाए। लेकिन 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने अपना अभियान चेंज कर दिया, और उसने अपनी बाकी की जो उम्र थी वो प्रोटीन की कमी नहीं होती है, उससे कोई बीमारी नहीं होती, इसमें लगा दी। लेकिन तब तक क्या हुआ, बहुत देर हो गई थी। 1939-40 के अंदर जो बड़े फूड इंडस्ट्री के जो ग्रुप थे, जैसे ही इस डॉक्टर ने ये बीमारी का नाम बताया कि ऐसी बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी से, उन्होंने तो रातों रात एक अभियान छेड़ दिया कि भाई भारी प्रोटीन की कमी हो गई है दुनिया के अंदर, और अगर आपको अपना जान माल बचाना है, बच्चों की अपनी सेहत बचानी है, तो आपको प्रोटीन जो है
आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा खाने के अंदर। तो प्रोटीन बढ़ाया लोगों ने, और प्रोटीन बढ़ाने की ये जो वजह थी निकल के आई, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें, जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसमें जो मिल्क पाउडर बचा था जो सैनिकों के लिए देना था, वो इतने मिलियंस ऑफ टन्स में था कि अब उसको यूज कैसे करें, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है वो अपना बनाया हुआ खाना समुद्र में तो फेंक नहीं देगी, उसको ये यूज करना था। ऐसे ही समय में इनको एक सुनहरी कश्ती मिली। क्या कश्ती मिली? एक डॉक्टर ने ये कह दिया प्रोटीन से की कमी के कारण भयंकर बीमारियां होती हैं। तो रातों रात ये जो मिल्क पाउडर का जो था, इसको इन्होंने प्रोटीन का सोर्स बनाया इंडस्ट्री ने, और फिर इन्होंने ये एक मुहिम चला दी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाना है। पर लेकिन जब उसी डॉक्टर ने कहा कुछ साल बाद कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तब भी किसी ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और हम प्रोटीन वर्शिप करते हुए एक ऐसी राह पे चले गए जहाँ सारी की सारी क्रॉनिक डिजीजेज, इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एल्साइमर्स, आर्थराइटिस, यू नेम अ डिजीज एंड द अंडरलाइन कॉजेज, हमने प्रोटीन वर्शिप की है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रोटीन वर्शिप के बारे में। तो मैं बहुत संक्षेप में ये पहला वाला वीडियो आपको दिखाऊंगी। There's been a history of enthusiasm for protein in the nutrition world. A century ago, the protein requirements were more than twice what we know them to be today. This enthusiasm peaked in the 1950s, with the United Nations identifying protein deficiency as a serious, widespread global problem. There was a protein gap that needed to be filled. तो 1950 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोटीन गैप है, यानी कि पूरी दुनिया जो है उसमें प्रोटीन की कमी है, और ये गैप इतना बड़ा है फटाफट पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पूरी दुनिया में एक प्रोटीन गैप है, द वर्ल्ड प्रोटीन गैप का नाम दिया गया, और इसको पूरा करने के लिए सारी दुनिया की सरकारें एकजुट हो गई। This was certainly convenient for the US dairy industry, who could dump their post-war surplus of dried milk onto the third world rather than having to just bury it. But this led to the great protein fiasco. There was a disease of malnutrition called kwashiorkor that was assumed to be caused by protein deficiency, famously discovered by Dr. Cicely Williams, who spent the latter half of her life debunking the very condition that she first described. तो ये कह रहे हैं कि 1932 में इस डॉक्टर ने ये बीमारी बोली थी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण क्वाशरकोर नाम की बीमारी होती है, और लेकिन उनके उम्र के जो आखिरी 20 साल थे, उन्होंने अपने 80th बर्थडे पे ये कहा कि मैंने अपनी उम्र के जो आखिरी 20 साल है, यानी कि 68 इयर्स ऑनवर्ड, मैंने सारा का सारा टाइम स्पेंड किया है लोगों को ये बताते हुए कि ऐसी बीमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण नहीं होती है। Turns out there's no real evidence of dietary protein deficiency. और जब रिसर्च हुई तो उन्होंने ये पता लगाया, और ये जो रिसर्च है ये आउट ऑफ लंदन थी, वो कह रहे हैं कि कोई एविडेंस ही नहीं है साइंटिफिक कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण इस तरह की बीमारी होती है, तो जिस तरह से इसको बताया गया था। The actual cause of kwashiorkor remains obscure, but fecal transplant studies suggest changes in gut flora may be a causal factor. तो ये जो आज भी आपको बताया जाएगा, कई डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि क्वाशरकोर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक इंसान जिसको क्वाशरकोर हो गया वो उतना ही प्रोटीन मिल रहा है जितना उसको पहले मिल रहा था,
ये मैंने शायद कल परसों के वीडियो में भी मेंशन किया था, आप जितनी भी बीमारियां सोच सकते हैं, अब लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है कि वो सारी की सारी लिंक्ड हैं हमारे जो अंतड़ियों में माइक्रोब्स रहते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो जीवाणु रहते हैं जिनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, उनके कारण होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम से लेके आपकी हेल्थ की स्टेट क्या है, आपकी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, कितना इंडेक्स है, आप कितनी सेहतमंद रहेंगे, वो सारे के सारे आपकी माइक्रोबायोम, कौन सी जीन्स आपकी अच्छी वाली ऑन होंगी या बुरी वाली ऑन होंगी, वो सब माइक्रोबायोम डिसाइड करता है आपके गट में। तो क्या करते हैं ये लोग, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, किसी की हेल्दी आदमी की पूप लेते हैं, उसकी एक कैप्सूल बनाते हैं और वो नीचे के रास्ते से किसी अनहेल्दी आदमी के अंदर डाल दी जाती है। इसको कहते हैं फीकल इम्प्लांट, जस्ट अ वेरी फैंसी वर्ड, एक आदमी की पूप लेके दूसरे आदमी में डाल दी जाती है। और फिर उन्होंने पाया कि जिस अनहेल्दी से अगर जल्दी पहुंची तो सबसे पहले बुक स्टोर ढूंढती हूँ कि कोई अच्छी किताब मिले तो सफर अच्छा बीते। तो वहां पे इनकी किताब रखी हुई थी जिसपे लिखा था हाउ नॉट टू डाई, और ऊपर से उसके ऊपर ब्रोकली बनी हुई थी। तो मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ नॉट टू डाई एंड होपफुली ब्रोकली इज गोइंग टू हेल्प। तो मुझे फैसिनेटिंग लगा वो, और वो मैंने ले ली। और इंडिया की मेरी फ्लाइट थी, और जब तक मेरी फ्लाइट खत्म होती नॉन स्टॉप, लाइक आई कुड नॉट पुट दैट बुक डाउन। मुझे लगा दिस इज इतना इम्पोर्टेंट, ये मैसेज दे रहे हैं, लाइक रियली आई ओपनिंग। तो इस तरह का काम डॉक्टर ग्रेगर करते हैं। तो डॉक्टर ग्रेगर ने क्या कहा कि 1970 में फाइनली जो
रिसर्च निकल के आई जिसने प्रूव किया कि प्रोटीन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने 1970 के अंदर एक जारी किया कि प्रोटीन की जो हम मात्रा सोच के बैठे थे कि इतना ज्यादा प्रोटीन चाहिए, उससे एकदम कम कर दिया. और जस्ट बाय अ स्ट्रोक ऑफ पेन, एक वो उस लिखाई से जो इतना बड़ा प्रोटीन गैप इतने सालों तक चला आ रहा था 1930 से लेके 1970 तक, ऑलमोस्ट 40 साल तक, हमने सिर्फ एक लिखाई से वो प्रोटीन गैप बंद कर दिया. और ये जो थ्योरी थी पेंडेमिक, पूरे विश्व में प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन फैली हुई है, वो हमने खत्म कर दिया. And destroyed the theory of this pandemic of protein malnutrition. Infant protein requirements went from a recommended 13% of daily calories down to 10%, then 7%, and then down to 5%. So, ye keh raha hai ki jo protein energy requirement thi, 1948 mein 13% thi, 64 mein humne 10% kar di thi, karte karte 74 tak humne 5.4%, aur ye bhi abhi high hai. However, to this day, there are still those obsessing about protein. Those promoting Paleolithic diets, for example, try to make the case for protein from an evolutionary perspective. Okay, so let's ask the question, what is the perfect food for human beings? The food that was fine-tuned just for us and for millions of years to have the perfect amount of protein, human breast milk. So ye kehte hain ki science itni clear hai, humne revise bhi kar diya protein requirements jahan se ye sabko bata diya world ki highest authority ke through, WHO ke through bhi ye protein requirement hai. Kehta fir bhi kyun aaj bhi ye protein ko leke kahenge अंधभक्ति जिसको कहते हैं, एक प्रोटीन वर्शिप चल रही है कि बस प्रोटीन खाओ और हेल्दी हो जाओ. मैं तो वर्कआउट करता हूँ, मुझे तो प्रोटीन चाहिए ही. मैं तो मैराथन रन करने के लिए जाता हूँ, मुझे प्रोटीन चाहिए. अरे भाई साइंस को देख लो, वर्ल्ड के एथलीट जो है वो कार्ब लोडिंग करते हैं. जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है वो शुगर्स में ब्रेक डाउन होता है, तो मसल्स को पावर मिलती है रन करने की या वेट लिफ्टिंग करने की. हमारे बॉडी का प्रोटीन नहीं टूटता, मसल को पावर करता. तो पास्ता खा के लोग जाते हैं मैराथन रन करने, चिकन की टांग खा के कोई फुटबॉल टीम जो है अपना ट्रॉफी मैच खेलने नहीं जाती. तो जब किसी को पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी को वर्कआउट करने के लिए क्या चाहिए, तो ये कर क्या रहे हैं? तो ये सारे मिथ्स हैं. तो देखिए आगे क्या होता है. हाँ, तो फिर ये कहते हैं कि इतना जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि बहुत प्रोटीन चाहिए, बहुत प्रोटीन चाहिए, ये डाइट लो, वो डाइट लो, और कहते हैं कि ऐसी डाइट लो एटकिंस जैसी या पेलियोलिथिक डाइट जिसमें मेनली एनिमल प्रोटीन पे जोर है. तो वो कहते हैं कि पहले ये देख तो लो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट परफेक्ट फूड कौन सा है. तो कहते हैं कि वो फूड है मदर ब्रेस्ट मिल्क, जिसको सदियों से नेचर ने परफेक्ट किया है. मिलियंस ऑफ इयर्स से वो उसको परफेक्ट किया है. और अब हम देखेंगे कि वो मदर मिल्क जो है उसमें कितना प्रोटीन नेचर ने डाला है, जिससे हमें एक पूरा संतुलित आहार मिलता है. और बच्चे की जितनी ग्रोथ फास्ट होती है, किसी एडल्ट की रिक्वायरमेंट उतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन उसको कितने प्रोटीन की जरूरत है. तो देखते हैं. If high quality protein was the nutrient among nutrients, helping us build our big brains over the last few million years, one would expect that importance to be resoundingly reflected in the composition of human breast milk, especially since infancy is the time of our most rapid growth. But this is patently not the case. Human breast milk is one of the lowest protein milks in the mammalian world. In fact, it may have the lowest protein concentration of any animal in the world. So, kitni badi baat thi. Unhone kaha hai ki humans jo hain, wo unme sabse zyada brain power pai jati hai, sabse intelligent paya jata hai unko mammals ke andar. Aur kehte hain ki lekin hamara jo human ka jo child hota hai, uska rate of growth adult ke kisi bhi life stage se sabse rapid hota hai.
तो अगर वाकई प्रोटीन हमें चाहिए होता है एक हेल्दी माइंड के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन तो हमें दूध में मिलना चाहिए था, और ना सिर्फ दूध में मिलना चाहिए था, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में जितने भी बाकी दूधधारी जंतु हैं प्लैनेट अर्थ पे, मैमल्स हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन हम देखते क्या हैं, कहते हैं ये सफेद झूठ है। हकीकत ये है कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में जितने भी मैमल्स हैं प्लैनेट अर्थ पे, उन सब में से सबसे कम प्रोटीन उसमें मिलता है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ऐसा है तो फिर हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत क्यों है। Than 1% protein by weight. This is one of the reasons why feeding straight cow's milk to babies can be so dangerous. कहते हैं यही कारण है, ये जो जितने भी लोग हैं वो ध्यान से सुने, जिनके घर में बच्चों को दूध देते हैं हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो हम दूध होता है गाय या भैंस का, वो अगर हम बच्चों को देते हैं तो हम उनकी जो नेचर के अकॉर्डिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत अधिक मात्रा में हम उनको दे रहे हैं, जो उनकी जरूरत है ही नहीं। और आगे हम देखेंगे कि जो एनिमल प्रोटीन हम दे भी रहे हैं वो कैसे हमको अंदर से मार रहा है, हमारी किडनीज को तबाह कर रहा है और हार्ट डिजीज कर रहा है, कैंसर कर रहा है, उन आगे वाले वीडियो से देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कितनी चाहिए। The protein content in human milk is described as extremely low, but it's not low at all. It's right where it needs to be. That's the natural, normal level for the human species, fine-tuned over millions of years. Adults require no more than 0.8 or 0.9 grams of protein per healthy kilogram of body weight per day. So that's like your ideal weight in pounds multiplied by 4 and then divided by 10. Someone whose ideal weight is 100 pounds may require up to 40 grams of protein a day. On average, they probably only need about 30 grams a day, which is 0.66 grams per kilogram. But we say 0.8 or 0.9 because everyone's different and we want to capture most of the bell curve. People are more likely to suffer from protein excess than protein deficiency. The adverse effects associated with a long-term high protein diet. तो वो कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा हमें बहुत ही कम चाहिए, एवरेज वेट वाले पर्सन को, एडल्ट को अबाउट 30 से 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप मिलेट का एक कप लें, जस्ट 1 कप ऑफ मिलेट जो होते हैं, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर आप दिन में दो रोटी एक सुबह और एक शाम खा लें, आपको तो 50 मिलीग्राम प्रोटीन वही हो गया। तो कहने की बात, ऊपर से आपने दाल खाई, राजमा खाई और सब्जी खाई, उन सब में आपको प्रोटीन मिला। तो कहने की बात यह है कि हमें प्रोटीन की कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए जब तक हम होल प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं। और अगर ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम है प्रोटीन की, पर प्लांट प्रोटीन अगर कितना मर्जी भी खा लो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन मिलती है, वो आगे की स्टडी में हम देखेंगे। और यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर हम ये प्रोटीन खाते हैं एक्सेस में, यहाँ पे ये हाई इंटेक मीट इंटेक वाले बात कर रहे हैं, यानी कि दूध और मिल्क और एनिमल प्रोटीन से जो आता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बोन और कैल्शियम का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी, हम कहते हैं ना दूध में कैल्शियम है, तो सबसे पहले पेशेंट्स मेरे को कहते हैं जब मैं कहती हूँ दूध ना लें, तो कहते हैं पर व्हाट अबाउट माई कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से लूंगी। आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो दूध में कैल्शियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 33% ही मैक्सिमम हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं बॉडी में। तो 2/3 जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो एक्सक्रीट कर देते हैं। अच्छा, जो क्योंकि जो कैल्शियम है दूध में वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, हमारी बॉडी उस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाती, एक बात। दूसरी बात, जब ये एनिमल प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, मतलब कैल्शियम भी अब्जॉर्ब हो रहा है 33%, साथ में एनिमल प्रोटीन भी अब्जॉर्ब हो रहा है, तो एनिमल प्रोटीन की कुदरत रहती है वो है थोड़ा सा एसिडिक, हल्का सा उसमें एसिड जैसा रहता है। और जो हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच है, मतलब जो नॉर्मल हमारा जो ब्लड है, उसकी तासीर होती है हल्की सी एल्कलाइन। तो जैसे ही हम एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे एग हो, फिश हो, डेयरी हो या मीट हो, हमारा जो ब्लड है
कुछ क्षण के लिए, क्योंकि इसमें एनिमल प्रोटीन आ गया, हल्का सा एसिडिक हो जाता है। लेकिन ये एसिडिक होना सबसे खतरनाक चीज है, और ये जब एसिडोसिस होती है, बॉडी के जो मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे एल्कलाइन पीएच पे बेस्ड है, तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, एक वॉर्प स्पीड, लाइटनिंग स्पीड से बॉडी को उस एल्कलाइन पीएच को, उस एसिडिक पीएच को एल्कलाइन बनाना पड़ता है, नहीं तो सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। और होता भी यही है, जब हम बहुत बीमार होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, जैसे कि किसी को लंग्स में निमोनिया हो गया, बड़ी उम्र है, नहीं ठीक हो रहा, हम उन्हें आईसीयू में एडमिट कराते हैं। आईसीयू में जब हम एडमिट कराते हैं तो पता चलता है वो जो बैक्टीरिया है अब उनके लंग्स से निकल के उनके ब्लड में चले गए हैं, उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। सेप्टिसीमिया एक इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स अगर आप हॉस्पिटल पहुंच भी गए तो आपके बचने के चांसेस बहुत बहुत कम है, और अगर थोड़ी भी देर कर दी तो इट्स अ डेथ सेंटेंस इवन विद द बेस्ट मेडिकल केयर। तो सेप्टिसीमिया में क्या होता है, हमें हो जाती है एसिडोसिस, और उसके अंदर जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक लेवल पे पहुंच जाता है, सारे केमिकल रिएक्शन जो है हेवायर हो जाते हैं, और हम बेसिकली डेथ के डोर पे खड़े होते हैं। तो इतना डेंजरस होता है। लेकिन हम जब मीट खा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो हमारा ब्लड एसिडिक हुआ, बॉडी के मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स ने तुरंत पहचान दिया, अरे ब्लड एसिडिक हो रहा है, इसको ठीक करो। इसको कैसे ठीक करेंगे, एसिड पे, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि एसिड पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है, अब उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, और कैल्शियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो अगर हम किसी तरह से कैल्शियम जो है ब्लड में डाल दें तो वो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, कहाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, हमारी हड्डियों में। तो एक एक सिप जो हम दूध का पीते हैं वो कैल्शियम हमारी बॉडी में बढ़ाता नहीं है, वो एक एसिड वॉश की तरह है, जैसे दीवारों के ऊपर आपने एसिड डाल दी हो और धीरे धीरे वो लीच कर रहा हो, तो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है। एक दिन हम जब हम ऑस्टियोपोरोसिस पे स्पेशल स्ट्रीम करेंगे, उस दिन हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। अगर आप डॉक्टर संजय गुप्ता की वो डॉक्यूमेंट्री देखें, CNN द लास्ट हार्ट अटैक, तो शुरू में ही बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ये डॉक्यूमेंट्री ऑस्टियोपोरोसिस या बोन्स पे नहीं बना रहे हैं, फिर भी वो एक सेंटेंस वहां डालते हैं, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वो सेंटेंस डाला, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स जितना मेरे को याद पड़ रहा है, काफी समय पहले देखी थी मैंने, कि एवरी सिप ऑफ डेरी इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर बोन्स स्ट्रॉन्गर मेक्स योर बोन्स वीकर, इट इज लाइक एन एसिड वॉश, लाइक हर घूंट दूध का जो आप पीते हैं वो आपकी हड्डियां मजबूत बनाने की बजाय उनको कमजोर बनाता है, और वो एक एसिड वॉश की तरह है और आपकी बोन्स को एकदम खोखला कर देता है। और आज बात कहीं की कहीं चली जाएगी, हम ऑस्टियोपोरोसिस पे चले जाएंगे, बट अमेजिंग रिसर्च है ये। तो अगर हम एनिमल प्रोटीन, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो अगर हम इसी तरह से एनिमल प्रोटीन यानी कि दूध, मीट और ये सब कंज्यूम करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, हमारी को रीनल फंक्शन, किडनी की प्रॉब्लम होंगी, किडनी फेल हो जाएंगी हमारी, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, इंक्रीज कैंसर रिस्क, हमारा लिवर के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, लिवर एंजाइम्स जो होंगी वो हमारे लिवर को खराब, वो ठीक से नहीं बनेंगी, और जो हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोग्रेस हो जाएगी। अब देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ेगी तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां भी वही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि प्रोटीन के पीछे और खास करके एनिमल प्रोटीन के पीछे हमें नहीं भागना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी कई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और जैसे जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप लोगों को जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो वो आप डालते हैं ये। तो अगला हम वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है
एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में क्या फर्क होता है? आपको स्क्रीन पे आ गया, वेरी गुड, एक सेकंड दीजिए। In 2019, Dr. David Katz and colleagues, including one of my favorite researchers, David Jenkins, published a public health case for modernizing the definition of protein quality. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये रिसर्च कहां से निकल के आ रही है। देखिए, येल से, जो लोग जानते हैं, आईवी लीग मेडिकल स्कूल है अमेरिका में, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से है, और यहां पे आ रही है स्टैनफोर्ड रिसर्च से। ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशन से रिसर्च निकल के आ रही है, और आज नहीं, कितने डेकेड्स पहले निकल के आ रही थी। The prevailing definition seems to have more to do with biochemistry than the net effects on human health. The popular concept that protein is good and the more the better, coupled with a protein quality definition that favors animal protein, fosters the impression that eating more meat, eggs, and dairy is desirable and preferable. But this is directly opposed to nutrition guidelines that are instead trying to push more plants. Although protein malnutrition is still prevalent in many areas of the world, it is exceedingly rare in the industrialized world, where the most formidable public health threat is not something like kwashiorkor, protein calorie malnutrition, but from chronic diseases. In 2016, a landmark study was published out of Harvard involving more than 100,000 people that found that replacing animal protein with plant protein was associated with lower risk of dying prematurely. तो उसके बाद स्टैनफोर्ड की रिसर्च के बाद अब ये हार्वर्ड की रिसर्च बता रहे हैं। कितने लोगों की? 100,000, 1,00,000 लोगों को हार्वर्ड ने स्टडी किया, और क्या पाया कि अगर हम पहले स्टैनफोर्ड ने ये दिखाया कि दुनिया में प्रॉब्लम जो है वो प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन की नहीं है, लेकिन ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाने से, स्पेसिफिकली डेयरी, एग्स, मीट, फिश, इनको खाने से हमारे अंदर क्रॉनिक डिजीजेज हो रही है, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद हार्वर्ड ने 1,00,000 लोगों की स्टडी करके ये बताया कि अगर हम रिप्लेसिंग एनिमल प्रोटीन ऑफ वेरियस ओरिजिन विद प्लांट प्रोटीन वाज एसोसिएटेड विद लोअर मोर्टेलिटी, अगर हम एनिमल प्रोटीन को प्लांट प्रोटीन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो सभी बीमारियां जो हैं, क्रॉनिक बीमारियां जो हैं, उनसे मरने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। The worst seem to be processed meat like bacon, as well as egg protein, the egg whites, but swapping. Sorry, ये important था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि सिर्फ 3% energy जो है plant protein से, animal protein निकाल के अगर उसको जितना आप animal protein खाते हैं उसका अगर आप सिर्फ 3% substitute कर दें, किससे substitute कर दें? Plant protein से, तो क्या होगा? बहुत सारे आपको बेनिफिट्स होंगे, और उनके अंदर क्या चीजें उन्होंने देखी, रेड मीट को उन्होंने स्टडी किया और एग्स को। अगर आप सिर्फ 3%, जितना भी आप एग खा रहे हैं उसमें से सिर्फ 3% अगर निकाल दें तो आपकी मोर्टेलिटी रेट के अंदर 95% तक का एग प्रोटीन आराम मिलेगा। बट स्वैपिंग इन इवन जस्ट 3% प्लांट प्रोटीन फॉर एनी ऑफ द एनिमल प्रोटीन्स, प्रोसेस्ड मीट, अनप्रोसेस्ड मीट, चिकन, फिश, एग्स और डेयरी, was associated with a significantly lower risk of, arguably the most important endpoint of all, death. Yeah, but how do we know it's the protein? The researchers adjusted for factors such as saturated fat intake, which suggested it wasn't just the animal fat. Okay, but how does your body even know the difference between protein from a plant and protein from an animal? I mean, isn't protein protein? No. Unlike animal protein, plant protein is generally low in branched chain amino acids, for example, and तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपने एनिमल प्रोटीन कम कर दिया डाइट में, बट एनिमल प्रोटीन के साथ तो सैचुरेटेड फैट भी काफी ज्यादा होता है, तो क्या ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट आपने देखा प्लांट प्रोटीन का, क्या वो सिर्फ इसलिए था कि एनिमल प्रोटीन कम हो गया,
इसलिए था क्योंकि आपने अब उसमें सैचुरेटेड फैट वगैरह भी कम हो गया? तो कहते हैं कि नहीं, हमने वो स्टडी इस तरह से डिजाइन की कि इट टुक इनटू अकाउंट कि जो सैचुरेटेड फैट था वो हमने बैलेंस कर दिया. बेसिकली कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट प्रोटीन जब दिया तो हमने जितना एनिमल प्रोटीन कम करने से सैचुरेटेड फैट कम हुआ उतना ही सैचुरेटेड फैट हमने प्लांट वाले डाइट में डाल दिया, ताकि सैचुरेटेड फैट दोनों ग्रुप्स में सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ फर्क हो किस चीज का, एनिमल प्रोटीन का. फिर उन्होंने कहा कि लेकिन बॉडी को कैसे पता चलता है कि भाई आपने एनिमल प्रोटीन खाया या प्लांट प्रोटीन खाया? तो कहते हैं कि उसका एक साइंटिफिक कारण है. प्लांट प्रोटीन में जिस तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं वो लो होती हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के अंदर, और हमने पाया है कि ये कारण होता है इंक्रीज हार्ट अटैक रिस्क का, ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड. Branched chain amino acids, for example, and decreased consumption of branched chain amino acids improves metabolic health. It could be the IGF-1, a cancer-promoting growth hormone that is boosted by so-called high-quality animal protein intake, though. We suspect the IGF-1 connection is cause and effect, since people who are born to have higher IGF-1 levels, regardless of what they eat, do appear to suffer higher rates of killers like type 2 diabetes and heart disease. Or it could be something the Harvard researchers didn't control for, such as toxic pollutants like dioxins and PCBs, since they tend to accumulate up the food chain in cattle, pigs, chickens, and fish, and therefore end up on our plates. So वो कहते हैं कि एक तो ये branch chain fatty amino acids जो हैं, ये जो होती हैं, ये cause करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ animal protein में पाई जाती हैं, और ये कितना भी हमारा metabolism है जो उसको एडवर्सली मतलब उसको नुकसान पहुंचाती है. दूसरा इन्होंने कहा कि एनिमल प्रोटीन में एक चीज होती है IGF, जिसकी हमने बात दूध के हवाले से पहले वाले सबसे पहले वाले वीडियो में की थी, और वो इतना पावरफुल ग्रोथ फैक्टर है कि वो कैंसर प्रमोट करता है. फिर उन्होंने कहा तीसरी चीज क्या होती है एनिमल प्रोटीन में प्रॉब्लम, वो होती है जो हार्वर्ड की स्टडी ने पाया कि ये जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये जो चीजें होती हैं ये कहाँ एक्यूमुलेट होती हैं? ये सबसे ज्यादा हायर अप फूड, जितना हायर अप फूड चेन में आप खाओगे वहां होती हैं. कारण आपने सब्जी खाई, आप कितनी सब्जी खा सकते हैं? आपने गेहूं की रोटी बनाई, उसमें कितना गेहूं डला? मुट्ठी भर गेहूं से आपने रोटी खा ली, लेकिन वो ही गेहूं जो है, जो अगर उसमें केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसका एक अगर आपको चिकन या बीफ का अगर आपको एक पोर्शन सर्विंग साइज बनाना है, एक कटोरी भर के मीट खानी है, तो उस कटोरी भर मीट बनाने के लिए आपको कई किलो गेहूं लगेगा. पहले वो गाय भैंस बकरी जो भी है उसको खाएगी, फिर खा के फिर वो अपनी मसल बनाएगी, फिर वो मसल आपके खाने के उसमें आपकी कटोरी में आएगा. तो यानी कि कितने ज्यादा गेहूं लगा उस मीट को बनाने में, इतना ज्यादा गेहूं लगा इसका मतलब उतने ही ज्यादा केमिकल, उतने ही ज्यादा टॉक्सिन, उतने ही ज्यादा जहर जो है वो आपके खाने में गया. अब आप समझ रहे हैं, अगर आप रोटी खा रहे हैं और वो रोटी ऑर्गेनिक नहीं भी है तो भी आपको इतने केमिकल्स और टॉक्सिन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लोअर डाउन फूड चेन में खा रहे हैं. आप उस फॉर्म में खा रहे हैं जिस तरह से प्रकृति ने उसको बनाया है, तो आपको इतने केमिकल टॉक्सिन नहीं मिल रहे पर ग्राम. लेकिन अगर आप वही मीट और अंडे और दूध की फॉर्म में ले रहे हैं, उस जीव जंतु ने कितने किलो किलो भर के वो चीजें खाई हैं, तब जाके आपको थोड़ा सा वो दूध, थोड़ा सा वो मीट, छोटा सा वो एक अंडा मिला है. तो आप सोचिए कितना टॉक्सिन और केमिकल वो पहुंच गया है. ये तो कॉमन सेंस की बात है जब हम ऐसे सोचे ना, लेकिन ये करने के लिए हार्वर्ड को रिसर्च करनी पड़ी, तब जाके ये लोगों को ये बात पता चली कि अप द फूड चेन खाने में क्या नुकसान है एंड डाउन द फूड चेन खाने में क्या फायदा है. So plant-based protein also stands as an important step to lower the body burden of harmful pollutants. So कहते हैं कि इसी कारण से जो plant-based diet है human beings में, वो besides other health benefits को अगर आप छोड़ भी दें, फिर भी वो एक important step है. किस चीज के लिए? Body का जो burden है, body पे जो बोझ है, किस चीज का? Harmful pollutants. Harmful pollutants माने टॉक्सिन्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. और ये कहाँ से आ रहे हैं?
कि जो हमारे खाने में एनिमल प्रोटीन है इससे, तो ये बात अपने दिल में अच्छे से घर बना लीजिए कि प्लांट जो प्रोटीन है और एनिमल प्रोटीन है ये सेम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता किसी लेवल पे भी नहीं। Of harmful pollutants. If you don't think 100,000 people are enough, how about 400,000 people? The NIH AARP study is the largest diet cohort study in history. And again, ये कहते हैं कि ठीक है, आपने हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट से निकली हुई 1,00,000 लोगों पे करी गई स्टडी, आपको अगर लग रहा है कि इतना मीनिंगफुल नहीं है, तो हाउ अबाउट उसको फॉलो करते हुए 4,00,000 लोगों पे की हुई स्टडी है, और कहाँ से निकली हुई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो अमेरिका का, जहाँ सबसे टॉप रिसर्च की जाती है सारी की सारी, बेसिकली अमेरिका का गवर्नमेंट विंग है रिसर्च का, तो इसके ऊपर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है रिसर्च का अमेरिका में, तो वहां से की हुई रिसर्च ने क्या बताया। और ये छोटी मोटी स्टडी नहीं थी, ये ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट डाइट रिलेटेड स्टडी थी in history. And again, simply swapping 3% of calories from various animal protein sources with plant protein was associated with 10% decreased overall mortality. वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 3% एनिमल प्रोटीन कम कर दीजिए अपने डाइट में, तो आपको 10% आपका चांस किसी भी भयानक बीमारी से मरने का, मोर्टैलिटी से कम हो जाएगा, सिर्फ 10%। आज की तारीख में अगर कोई ऐसी दवाई निकले, कोई ऐसा प्रोसीजर निकले, कोई ऐसा वो निकले कि आपका किसी भी बुरी बीमारी से बचने का 10% चांस कम हो जाएगा, आपका बचने का नहीं, उससे मरने का, वो और भी बड़ी बात है, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ऐसा? And you get even twice that benefit if you get rid of eggs too. इस पे आना बहुत 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 जरूरी है। वो कहते हैं कि कोई भी जनरल 3% अगर आप अपनी बॉडी से निकाल दें एनिमल प्रोटीन, तो आपको 10% मौत का डर जो है आपका कम हो जाएगा किसी बीमारी से मरने का। कहते हैं लेकिन वही 3% जो है आपका, अगर आप वो 3% एग निकाल दें, नॉट एनी एनिमल प्रोटीन कम कर दें अपनी डाइट से, पर अगर वो 3% जो आपने एनिमल प्रोटीन अपनी डाइट से निकालना है वो अंडे हों, कि अंडे आप थोड़े से कम कर दें, तो आपका बेनिफिट उससे डबल से भी ज्यादा हो जाता है। आप सोच के देखिए, अंडे को तो कुछ मानते ही नहीं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो कहते हैं भाई अंडा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, कुछ तो चाहिए बॉडी को, प्रोटीन तो चाहिए। कितना मिथ है, कितना मिथ है। अब तभी किसी स्ट्रीम में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, किसी ने कहा था कि फलाना फलाने लोग जो हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और अंडे खाते हैं, तो आप सोचिए मैं बेहोशी हो गई होती कि हमें मालूम ही नहीं कि अंडे से ज्यादा खतरनाक कोई चीज शायद है ही नहीं हमारे लिए। अगर एक दिन मैं पूरा प्रोग्राम अंडे पे करना चाहूंगी, ये दूसरी बात है कि उस दिन स्ट्रीम में कोई नहीं आएगा, मैं अकेली बात कर रही होंगी क्योंकि मेरे ख्याल मैंने इतना लोगों को खोल खोल के ये मेडिकल रिसर्च रखी है कि बहुत ही जो ब्रेव है, हिम्मत वाले लोग हैं, अब वही जुड़ पा रहे हैं। तो अगर आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक अंडा खाते हैं, तो आपका रिस्क हार्ट अटैक का दूसरे लोगों के मुकाबले जो लोग कोई अंडा, मीट, मच्छी, दूध नहीं पीते, कितना हो जाता है? 10%, 15%, 20% नहीं बढ़ जाता, 67% ज्यादा बढ़ जाता है आपका रिस्क जो लोग वीगन होते हैं उनसे। छोटी सी जबान के लिए एक छोटा सा पीस अंडे, आप अंडा खा रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? अपना हार्ट अटैक का रिस्क 67% बढ़ा रहे हैं। तो ये है अंडे की पावर। और ये जो रिसर्च है NIH ने दिखाई कि अगर आप सिर्फ 3% अंडा कम कर देंगे अपने खाने में, तो आपका 21 to 24% रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम एनी डिजीज, किसी भी बीमारी से मरने का आपका रिस्क जो है 20 से 25% कम हो जाएगा, सिर्फ 3% अंडा कम कर दो। अरे भाई 3% अंडा क्यों, अगर अंडा पूरा ही गायब कर दो, तो सोच के देखिए कितनी पावरफुल चीज है। और ये मेरे को लगता है नंबर वन कंट्रीब्यूटर है जो हमारे यंग एडल्ट इंडिया में मर रहे हैं हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा जोर है आजकल इंडिया में कि सब लोग सोच रहे हैं मैं बॉडी बनाऊ, तो खाओ क्या, बस अंडा दूध, मीट, चिकन, बर्गर, यही सब हो रहा है। ऊपर से
heck, pizza cheese से भी हम एक दिन बात करेंगे. चलिए. That benefit if you get rid of eggs too. That's not a surprise since egg consumption is associated with a higher risk of developing cardiovascular disease. कहते इसमें कोई सरप्राइज नहीं था कि अंडा डाइट से 3 पूरा भी नहीं निकाला, सिर्फ 3% कम किया और अपनी लाइफ जो है हमने मरने का रिस्क 24% कम कर दिया. कहते हैं लेकिन एग्स जो होते हैं हमें पहले ही पता है कि हार्ट डिजीज, जैसा मैंने अभी कहा कि कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज सीवीडी से मरने का चांसेस एग बढ़ाता है और हर तरह की ऑल कॉज मोर्टैलिटी हर तरह से मरने का रिस्क बढ़ाता है. किस तरह बढ़ाता है? इन डोज रिस्पॉन्स मैनर, कि जैसे जैसे हम अपनी डाइट में एग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इन सब बीमारियों और हर एक बीमारी से मरने का चांस हमारा बढ़ जाएगा. Put all the studies together on dietary protein intake and mortality, and people who eat more protein tend to live shorter lives, but this is mainly driven by the harmful association of animal protein. Plant protein intake is inversely associated with mortality, meaning those who eat... So, कह रहे हैं कि ये जो study थी, ये जो ये study अभी बता रहे हैं, ये cohort study है और meta-analysis है. ये बहुत दो important शब्द हैं. आप कोई भी मेडिकल लिटरेचर देखिए, उसमें अगर ये दो शब्द हैं और पीयर रिव्यूड है तो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है. तो उसके अंदर वो कोहोर्ट का मेटा एनालिसिस होता है. जितनी भी स्टडीज उस टॉपिक पे हुई हैं उन सब स्टडीज का को कंबाइन किया जाता है कि उनके क्या क्या उनके वो थे और उनका एक एवरेज लिया जाता है कि वो उनका कंसेंसस क्या है, क्या वो उस चीज पे एग्री करती है या नहीं करती है. तो उन्होंने मेटा एनालिसिस किया. कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट होता है आप डोज और रिस्पॉन्स करते हो. अगर आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हो तो उस चीज को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है या वो डोज डिपेंडेंट है या नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट है. मेटा एनालिसिस और एक कोहोर्ट है. क्या पाया मेटा एनालिसिस और कोहोर्ट ने? कोहोर्ट ने और मेटा एनालिसिस स्टडी ने ये पाया कि एनिमल प्रोटीन जो है वो हर तरह की बीमारी से हमें मरने का जो चांस है वो सिग्निफिकेंटली हाई कर लेता है. लेकिन जब हम उसी तरह जैसे जैसे एनिमल प्रोटीन डाइट में बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सभी बीमारियों से मरने के चांसेस बढ़ते जाते हैं. लेकिन जब हम प्लांट प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? ये नहीं कि बीमारियों से बढ़ने का चांस नहीं बढ़ता, उल्टा इफेक्ट होता है. बल्कि हार्मफुल जितनी भी बीमारियां जानलेवा होती हैं उनसे मरने का चांस हमारा कम होता जाता है प्लांट प्रोटीन देने से. ये कितनी बड़ी बात है सोच के देखिए. तो चलिए आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है. More plant protein tend to live longer lives. More animal protein may mean more mortality, whereas more plant protein is correlated with less mortality. So ये है जैसे जैसे हम एनिमल प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, यहाँ हम एनिमल प्रोटीन बढ़ा रहे हैं और मरने के चांसेस, ये देखिए ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है, लोगों की ज्यादा मौतें हो रही है. वही हमने उतना ही इस तरफ दिया तो हम क्या देखते हैं, अगर इतनी मौतें हो रही थी किसी में, जब हमने उनको प्लांट प्रोटीन पे डाला तो देखो डेथ कैसे नीचे आया, एकदम स्काई वहां पे स्काई रॉकेट हो रहा है और यहाँ एकदम प्लमेट हो रहा है, एकदम नीचे जा रहा है. तो ये हमने देखा प्लांट प्रोटीन का कमाल. The best of both worlds would be to increase the intake of plant protein in place of animal protein. तो कहता है तो बेस्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, एनिमल प्रोटीन को निकालें और प्लांट प्रोटीन अपनी बॉडी में डालें. Words, as another 2020 meta-analysis concluded, persons should be encouraged to increase their plant protein intake to potentially decrease their risk of death. So, कहता है एक और meta-analysis हुई और उसमें उन्होंने पता लगाया कि इसका निष्कर्ष ये निकाला पूरे medical literature ने, conclusion जिसको कहते हैं, कि सब लोगों को encourage किया जाना चाहिए कि plant protein ज़्यादा से ज़्यादा लें. क्यों लें? बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं कह रहे, वो तो खैर आप ले ही लो, पर उसका जो आपको बेनिफिट है वो ये होगा कि आपका डेथ का जो रिस्क है, कितनी बड़ी बात है. उन्होंने ग्लोबल चीज कही है, डेथ यानी कि किसी भी कारण से मरने का जो आपका रिस्क है वो आपका कम हो जाएगा अगर आप प्लांट प्रोटीन के ऊपर रहते हैं. तभी मैं बार बार कहूंगी याद रखना चाहिए हमें स्वामी शिवानंद को, जो 127 ईयर ओल्ड आज भी जिंदा है, उनको पद्मश्री मिला है, लेने गए थे, जिन्होंने नहीं झुक के देखा हो या नहीं देखा हो वो वीडियो या मेरा वो लिंक मेंशन किया हो इस वीडियो में नहीं देखा हो, उन्होंने झुक के हमारे राष्ट्रपति को जमीन पे सर रख के प्रणाम किया.
आप, मैं और पता नहीं हमें से कितने लोग ऐसे स्पर ऑफ द मोमेंट पे कर पाएंगे जो लोग एनिमल प्रोटीन खाते होंगे। लेकिन 127 ईयर तक जिंदा है, व्हीलचेयर में नहीं गए, स्ट्रेट चल के गए, एकदम यंग मैन के जैसे तने हुए, वहां जाके जमीन पे अपना नतमस्तक हुए। और वो क्या कहते हैं जब उनसे न्यूज मीडिया पूछता है आपकी सेहत का राज क्या है, तो कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दो काम नहीं किए। कौन से दो काम? कभी दूध नहीं पिया, एक घूंट दूध नहीं पिया उन्होंने पूरी जिंदगी में। अरे भाई, अगर प्रोटीन इतना जरूरी होता तो वो तो आज सबके मर चुके होते, कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो गए होते। और ऑब्वियसली वो सन्यासी हैं तो मीट अंडा तो खा ही नहीं रहे ना भाई, तो कॉमन सेंस है। तो उन्होंने कभी कोई एनिमल प्रोटीन छुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोटीन के जिंदा रहे। दूसरी बात, कभी दूध नहीं पिया और कभी एक चम्मच एक दाना चीनी का नहीं खाया, कोई मिठाई नहीं मुंह में रखी। तो सोचिए, ये दो चीजें, दूध और चीनी। और यही तो मैं रोज रोज आपसे जुड़ के एक ही बात करती हूँ, हाथ जोड़ के, ये दो चीजें अपनी डाइट से निकाल दीजिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये सब देखने के बाद कोई ये दो चीजें कंज्यूम डेली बेसिस पे कर ही नहीं सकता, अगर उसको जरा सा भी अपनी सेहत का ख्याल होगा। कौन सी दो चीजें? एनिमल प्रोटीन जिसमें दूध अंडा मीट मच्छी सब आ जाता है, और दूसरी चीज चीनी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाला वीडियो होता है खत्म, और अब हम एक छोटा सा, मुझे आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज वो अपने सवाल लेकर तैयार रहिए, और फिर हम ये दो छोटे छोटे वीडियोस देख के और इसको खत्म करेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, मैं चाहूंगी अगले 10-15 मिनट में हम इसको वीडियोस खत्म करके हम बातचीत करेंगे। अगला है मेरे पास, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज बेटर टू फॉर आर किडनी, तो ये कर लेते हैं। ये आ गया, और तो हम शुरू करते हैं। Between 1990 and 2010, some of our leading causes of death and disability haven't changed. Heart disease was the leading cause of loss of life and health then, and remains the leading cause today. Some things got better, like HIV/AIDS, but others got worse, like chronic kidney disease, a doubling in the tens of thousands of deaths and the hundreds of thousands whose kidneys fail completely, requiring kidney transplants or lifelong dialysis. And about 1 in 8 of us now have chronic kidney disease, whether we know it or not. And most of those with chronic kidney disease don't know it. About 3/4 of the millions affected are unaware their kidneys are starting to fail. बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि चीजें बेटर होने की जगह बहुत वर्स हुई है। तो पर उस समय भी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय जो हेल्थ के डाटा आ रहे हैं वो 8 में से 1% को किडनी फेलियर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उनको किडनी डिजीज शुरू हो गई है। और उनमें से कितने लोगों को पता है कि मेरी किडनी फेल हो रही है, वो कह रही है कि मेजोरिटी लोगों को ये पता नहीं है। तो इस समय हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 8 में से कम 1 है जिसकी किडनी ऑलरेडी पतन के रास्ते पे चल रही है और उनकी किडनी फेल होनी शुरू हो गई है, लेकिन 2/3 हम लोगों को नहीं पता कि ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, वो उस समय था जब इतना फास्ट फूड नहीं था, 2010 की बात कर रहे हैं। तो अब तो हम और ज्यादा ये एनिमल प्रोटीन वर्शिप करने लग गए हैं, और ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं,
जिंदगी की गति और तेज हो गई है, तो मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा है, स्पेशली इंडिया में जो वर्ल्ड की डायबिटिक्स कैपिटल बन चुकी है, पर कैपिटा सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इस समय इंडिया में है। और हम सब जानते हैं कि डायबिटीज में किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है, तो इस लिहाज से मुझे लगा कि हम ये बहुत जरूरी है खून जाने। पर घबराने की बात नहीं है, अगर हमारी किडनी इस रास्ते पे चल भी पड़ी है, तो आप लोग जिन्होंने अब तक ये वीडियो मेरे साथ देखे हैं वो जानते हैं कि उन्हें ना सिर्फ हम रोकने का रास्ता जानेंगे, हम अपनी किडनी में होने वाली डैमेज को भी रिवर्स करेंगे। It's particularly worrisome given that early identification provides an opportunity to slow the progression and alter the course of disease. So what can we do about it? The Western-style diet is a major risk factor for impaired kidney function and chronic kidney disease. Also known as the meat-sweet diet or standard American diet, causing an impairment of kidney blood flow, inflammation, and subsequent leakage of protein in the urine. कारण क्या है, क्यों हमारी डाइट जो है किडनीज को हार्म कर रही है, किडनीज को अटैक कर रही है। वो कहते हैं कि हमारी ये वेस्टर्न स्टाइल डाइट है, यानी कि एनिमल प्रोटीन डाइट है और हाई सैचुरेटेड फैट डाइट है, फास्ट फूड वाली डाइट है, ये चीजें इसमें तो दूध अंडा मीट मच्छी सब आ गया, तो बार बार ये वेस्टर्न स्टाइल डाइट कह रहा है। और कहीं इंडियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग इस बात से अश्वस्त ना रहे, इस बात से ना सोचें कि भाई ये तो वेस्टर्न डाइट की बात हो रही है, हमारी तो इंडियन डाइट है। नहीं, ध्यान दीजिए वो एक्चुअल डाइट क्या कह रहा है, मीट बेस्ड डाइट है। वेस्टर्न डाइट मतलब मीट बेस्ड, और अगर आप डेयरी बेस्ड एग बेस्ड, तो अगर आप अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो उससे मुराद है इसकी। तो अगर आप ऐसी कोई डाइट खा रहे हैं तो होता क्या है, जो एनिमल प्रोटीन हम खा रहे हैं ये जाता है किडनी के अंदर, जब जाता है ये तो किडनी जो है हमारी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोचें तो छोटी छोटी छलनियों से बना हुआ है, जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है ना, उस तरह की छलनी सोच लीजिए, बहुत छोटी छोटी छलनियां हैं। और ये छलनियों का में से जब छन के जाएगा वो ब्लड, तो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो इन छलनियों के छेद के ये रोक नहीं पाती और ये उनके थ्रू बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकल के आता है तो बॉडी को इमीडिएटली पता चलता है कि हमारा जो ये छालने का प्रोसेस था ये कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ, जो चीजें हम नहीं चाहते थे कि छन के आए वो भी इसके थ्रू आ रही हैं, तो क्या करेगी बॉडी, उसको वापस छलनी में भेजेगी, फिर दोबारा वो निकल के आएगा छलनी के थ्रू, क्योंकि एनिमल प्रोटीन है वो, जो नेचर ने वो छलनी बनाई है हमारी वो इस काम के लिए इसका मतलब बनाई ही नहीं है कि उसमें हम एनिमल प्रोटीन डालें, क्योंकि हम प्लांट प्रोटीन डालते हैं तो वो तो नहीं आता छन के बाहर यूरिन में, तो एनिमल प्रोटीन क्यों आता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन ऐसे छन छन के बार बार आता है तो किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। और क्यों नहीं चाहते किडनी के ये एनिमल प्रोटीन छन के बाहर आए, क्योंकि जब वो छन के बाहर आता है तो जो डेलिकेट लाइनिंग होती है किडनी के सेल्स की उनको डैमेज करता हुआ जाता है, तो किडनी को नहीं चाहिए कि ये छन के आने वाला जो ये है एनिमल प्रोटीन ये पूरी उसके अंदर से निकल के जाए, तो किडनी उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इस प्रोसेस में किडनी को कई गुना काम करना पड़ता है, जो प्लांट प्रोटीन एक बार में वो छान के यूरिन बना के अपना काम खत्म कर देती थी और रेस्ट करती थी किडनी बीच बीच में, अब उसको कंटिन्यूसली ये एनिमल प्रोटीन छानना पड़ रहा है, और किडनी इतनी थक जाती है काम कर करके कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनके अंदर फाइब्रोसिस कहें तो स्कारिंग, जिस तरह से स्कार बनता है उस तरह से स्कार टिश्यू बनने लग जाता है, किडनी के सेल्स बनने लग जाते हैं एक बार। दूसरी बात, क्योंकि ये एनिमल प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट वाली जो डाइट है ये किडनी को जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं उनके अंदर गंद जमा कर देती है और उनको नैरो कर देती है, जैसे हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि हार्ट की आर्टरीज नैरो कर देती है ये डाइट, और यही डाइट जब किडनी की आर्टरीज को नैरो करती है तो किडनी में रीनल फेलियर यानी कि किडनी का फेलियर, किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है। तो इन दो कारणों से, एक तो ब्लड सप्लाई किडनी की कॉम्प्रोमाइज होती है, उनकी ब्लड सप्लाई नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। दूसरा, ये जो छलनी का जो मैकेनिज्म है, जो छानने का मैकेनिज्म है, ये किडनी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। और तीसरा कारण, जो थोड़ा बहुत प्रोटीन निकल के आता भी है
वो अपने आप में किडनीज में फिर इंफ्लेमेशन कॉज करता है। तो इन तीन मेन कारणों से किडनीज जो है हमारी रीनल फेलियर यानी कि किडनीज जो है फेल होना शुरू हो जाती है, और ये जो प्रोसेस है ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत तेज हो जाता है, इसीलिए उनमें किडनी ज्यादा फेल होती है। और यही प्रोसेस स्मोकर्स में फेल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि रैपिड, कोई भी स्मोकर अगर एनिमल प्रोटीन खा रहा है उसमें ये तीन प्रोसेस तो चल ही रहे हैं ना, लेकिन स्मोकिंग के कारण वो जो आर्टरी किडनी को सप्लाई कर रही है वो नैरो हो रही है, तो वही डायबिटीज वाला हिसाब हो जाता है कि उनके अंदर